इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई, जीत ना सकी तो जश्न मनाया जाए। डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, इंडिया इस वर्ल्ड कप को ले जाने के मूड से आया है। हाँ तो फिरंगियो सुजी भारत अपने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर है, जहां पे भारत का सामना होगा साउथ अफ्रीका के साथ। इस वर्ल्ड कप में भारत की इस टीम को सिर्फ एक टीम हरा सकती है और वो खुद टीम इंडिया है। देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। ये बढ़िया था। अच्छा, अब ये बात छुपने वाली तो थी। इंडिया ने इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया, छनकना बजा दिया, बाजा बजा दिया। इंडिया ने ना इंग्लैंड की फाड़ के रख दिया, तो जश्न मनाया जाए। और इंग्लिश मीडिया ने एज यूजुअल रोना शुरू कर दिया। इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है। तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, अब तक की अनबीटेबल टीम है इंडिया। Yes. पहले नंबर की ये टीम है। आई कंग्रेचुलेशन टू अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंग्लैंड वर्सेस खेलेंगे इंडिया। इंग्लैंड पायनियर ऑफ क्रिकेट, जिसने क्रिकेट सिखाई है, लेकिन उसको धोने में इंडिया ने कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाती है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की ये टीम 2003 की रिकी पोंटिंग की टीम जैसी उड़ान उड़ रही है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द पैक बुमराह। इंग्लैंड टीम, दे लुक आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म। और नहीं तो क्या। अभी तक वर्ल्ड कप में भारत ने सारी टीमों को पेल दिया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। अब की यार उम्मीद करते हैं और फाइनल जीत के हिंदुस्तानियों को जीत का तोहफा दे और ट्रॉफी हिंदुस्तान लेके आए। क्योंकि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना, इंडिया जो है वो बदले उतार रहे हैं। इंडिया सारे अपने रिग्रेट साफ कर, बदले इकट्ठे करके रखे हैं। वो कह रहे हैं आओ चुन चुन के एक एक से बदला हम उतारेंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। आज के मैच भी इंडिया ने काफी अच्छा खेला है, तो इस तरह देखा जाए तो इंडिया काफी ऊपर जा रही है। आज रोहित शर्मा ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेली और फंसी हुई मझधार में भारतीय टीम को उबारा, सवारा, साथ में सूर्य कुमार ने भी साथ दिया। मुझसे पूछे कि अगर मैं किसको देखना चाहूंगा तो मैं रोहित शर्मा की बैटिंग को देखना चाहूंगा, इसलिए कि वो उनमें एक लेजी एलिगेंस है, वो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आजकल हुक और पुल शॉट जो है ना वो कम खेली जाती है, वो जबरदस्त तरह से हुक और पुल शॉट खेलते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है। जितना बेबस करके घंटा बजाया आज। वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, बेस्ट स्पिनर्स हैं उनके पास, जडेजा जैसे, और बॉलर अच्छा उनका सिराज जैसा बॉलर है। और नहीं तो क्या। ये रो रहे हैं बैठ के, बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के सर। अगर इंडिया के पास इस वक्त पावर है ना, तो उसको फिर बड़ा बन के दिखाना चाहिए। ये इस किस्म की हरकतें करने से, वर्ल्ड कप जीतने से क्या होएगा, मगर सारी दुनिया को पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन मुझे अगर किसी के लिए बारे में अगर कुछ बोलना है तो मैं विराट कोहली के लिए बोलना चाहूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, उससे पिछले वीडियो में बोला था विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को आगे पेल गए। ठीक है भाई लोग, तुम सही थे, अब बताओ मैं कहां गलत था। मैंने तो ये बोला था ना, विराट कोहली का जो बैटिंग ऑर्डर था पहले उसको वहीं पे शिफ्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि विराट कोहली की रन मशीन से वापस रन निकलने चालू हो जाए। 7 मैचों में 74 रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, फिर भी भारत सारे मैच जीती है। ये तो क्या है, सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंड नहीं है भारत की टीम, हर खिलाड़ी अपना योगदान करता है। अगर विराट कोहली पे जैसे पाकिस्तान की टीम बाबर आजम पे टिकी हुई है, अगर भारत की टीम भी सिर्फ विराट कोहली पे होती तो हमारी नैया तो कभी की डूब चुकी होती। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, आप भी बहुत बड़े फैन हो। जब आप मुझे तंकीद कर रहे थे तो मैं तंकीद करने वालों को बोल रहा हूँ, तो अब भी मुझे बता दो।
क्या मैं गलत था? अब भी फाइनल मैच बचा हुआ है, विराट कोहली को तीसरे नंबर पे खिलाओ, जयसवाल या पंत से ओपनिंग रोहित के साथ, बाकी टीम मैनेजमेंट अच्छे से जानता है। इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, किसी से भी एक मैच भी नहीं हारी, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, तो भाई वो एक भी मैच नहीं हारे इंडिया। जब जहां तक मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, अनबीटेबल रह के टी20 वर्ल्ड कप जो है ये जीतेगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो आई थिंक अब ये जो इंग्लैंड है या इंडिया है, तो इंडिया ने भी आई थिंक सम टाइम, ये जो हम बार बार बात करते हैं इस प्रोग्राम में, कभी कभी ना अपने बेंच को तैयार करने के साथ साथ आपने इन चीजों को भी डेवलप करना होता है कि यू नो जहां पे आप चोक करते हो उसके बार बार अपने आप को प्रेशराइज करो, चैलेंज करो अपने आप को। जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, कहते हैं ना अच्छा मैच जीतो ना, तो उसके अंदर अच्छा कप्तान और अच्छा कोच फ्लॉज ढूंढता है कि यहां पे हमने गलतियां की, ये और भी इंप्रूव कर सकते हो। इंडियन टीम डिजर्व कर रही है इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप उठाना, और रोहित शर्मा की इनिंग्स की तो तारीफ हर जर्नलिस्ट पाकिस्तान का कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है जी, इंडिया की तारीफ बनती है, और मेरे ख्याल में सिर्फ शुएब अख्तर ही नहीं, पूरी दुनिया इस टाइम उनकी तारीफ कर रही है। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया की जो है वो क्रिकेट टीम्स को जो है वो सीखना चाहिए इंडिया की टीम से। और देखें, रोहित शर्मा एक ऐसा लीडर बन चुका है जो कि कोई मैच हार ही नहीं रहा, जो उसकी विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, और मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा कैप्टन जो है वो इंडिया को मिला, बड़े खुशकिस्मत इंडिया वाले। लेकिन अब जो रोहित शर्मा इंडिया का फ्यूचर बनाने जा रहा है, रोहित शर्मा बना रहा है, ये सख्तियां जो जयशाह साहब कर रहे हैं ये सब रोहित की मशावरत से कर रहे हैं। मैंने खबर ब्रेक की थी 2-3 हफ्ते पहले, और ये 3 दिन पहले साबित भी हो गया कि इसमें रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ दोनों शरीक हैं, क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि विराट के बाद रोहित के बाद, नियत तो अच्छी है ना उनकी, विराट वापिस पैदा नहीं होगा ये हम सब जानते हैं, शायद रोहित जैसा एलिगेंट बेटर भी नहीं पैदा होगा। रमीज, आपसे मेरा ये सवाल है, बाबर आजम और अगर रोहित शर्मा का हम कंपैरिजन करें, दोनों बैट्समैन हैं, दोनों कैप्टन भी हैं, हु डू यू थिंक इज बेटर? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा फेवरेट जो है रोहित शर्मा है। बाबर आजम जो है वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है, और दोनों जो है खूबसूरत दिखते हैं खेलते हुए, और क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के तो थोड़ा सा लगाव ज्यादा हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं किसको देखना चाहूंगा, तो मैं रोहित शर्मा की बैटिंग को देखना चाहूंगा, इसलिए कि वो उनमें एक लेजी एलिगेंस है, वो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आजकल हुक और पुल शॉट जो है ना वो कम खेली जाती है, वो जबरदस्त तरह से हुक और पुल शॉट खेलते हैं जी। और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है, लोग उनको हर दिन जो है वो मैच जीता हुआ मिलता है, और हर दिन जो है वो उनका ईद का दिन होता है। और मुझे लगता है कि जितनी खुशियां उन्होंने दे दी, अब उन्होंने जो है वो एक ही खुशियों का भंडार बना के ना टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के जो है वो लोगों के अंदर बांटना है। और जिस तरह लोगों के अंदर खुशियां होनी है, मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान भी खुश होंगे, क्योंकि जो ट्रॉफी होगी वो इंडिया के पास होगी, और हमारा इंडिया हमसाया, और वी वांट कि भाई इंडिया के पास ये ट्रॉफी जानी चाहिए, क्योंकि वो वेल डिजर्व्ड है। और ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, ड्रेस की स्ट्रीक टूटी, अभी भी स्ट्रीक लगा रहे हैं, अभी तो ये हर हाल में डिजर्व करते हैं, तो हमारी सपोर्ट पूरी इंडिया के साथ है। पेल दिया आपको, पेल दिया आपको, बजा दिया आपका, आपका छनकना, आपका घंटा, और ये दोनों चीजें तो देखो बजती बजती हैं, लेकिन जब देखो जब कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है तो घंटा और छनकना बजाती है, लेकिन जब बहुत कोई टीम अच्छा खेलती है तो फिर क्या बजाती है? फिर बाजा बजाती है आपका। और इंडिया जो है वो बदले उतारे, इंडिया सारे अपने रिग्रेट साफ कर, इकट्ठे करके रखे हैं, वो कह रहे हैं आओ चुन चुन के एक एक से बदला हम उतारेंगे। मतलब मैं जिसका भी मुंह से सुन रहा हूं, वो कहते इंडिया डिजर्व करता है, इंडिया को सपोर्ट करें, पूरा पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया ने क्रिकेट अच्छी की है, मेरिट पर उन्होंने सिलेक्शन की, उन्होंने जिस तरह की गेम पेश की, तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि यार इंडिया जो है मैच विन करे, एक मैच नहीं हारे, तो फिर कौन चाहेगा कि यार इंडिया ये ट्रॉफी हार जाए। मैं तो चाहता हूँ 2024 की ट्रॉफी इंडिया लेके आए, और इंडिया 100% गारंटी दे रहा है कि भाई ये ट्रॉफी 2024 की इंडिया में ही आएगी। अरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था, उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ, इज इट टू अर्ली? इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। अभी क्या जवाब दूँ इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? यू नो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है। क्या कहें, अगर इंडिया के पास इस वक्त पावर है ना, तो उसको फिर बड़ा बन के दिखाना चाहिए। ये इस किस्म की हरकतें करने से, वर्ल्ड कप जीतने से क्या होएगा, मगर सारी दुनिया को पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब इंजमाम एक वर्ल्ड स्टार है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्यों इन सबको शौक चढ़ा हुआ है कि ये जाकर दुनिया भर में बेइज्जतियां करवाते फिरते हैं। तो सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूंगा इनकी तरफ से, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह इस वक्त टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बातें कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी जो है उनके समझ नहीं आती कि कहां पर कोई खड्डा मिल जाए, छोटी सी भी कोई नाली मिल जाए
जिसके अंदर हम घुस जाएं और घुसते जाएं। नाली कोई पाकिस्तान में मिले, वहां से घुसें और सीधा कनाडा में किसी नलके से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अब यहां पर रहना जो है बड़ा मुश्किल हो गया।